नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की झुंझुनू सब्जी मंडी में किस तरह से रहे हैं सब्जियों के ताज़ा भाव। तो बात करते हैं सबसे पहले बैंगन के बारे में। तो बैंगन का जो आज का रेट है वो रहा है 30 से 35 रुपये के जी। 56 टिंडे की दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो 56 टिंडे का रेट रहा है 15 रुपये के जी। आगे दोस्तों हम बात करेंगे हरी प्याज के बारे में, तो हरी प्याज का जो रेट रहा है वो 10 रुपये के जी रहा है। और दोस्तों प्याज की अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्याज का रेट रहा है 7 रुपये के जी। दोस्तों प्याज में 6-7 दिन से काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वरना आज से 8-10 दिन पहले प्याज में जो है 14-15 रुपये के जी तक प्याज की बिक्री की जा रही थी, और अचानक प्याज में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें आलू की, तो आलू का रेट भी रहा है 10 रुपये के जी। और नींबू की अगर यहाँ पर हम बात करें तो नींबू में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। नींबू का थोक का बाज़ार भाव रहा है 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के जी तक थोक के भाव नींबू के देखे गए हैं। बात करें दोस्तों हरी मिर्ची की, तो हरी मिर्ची में भी काफ़ी तेज़ी बनी हुई है, और मंडी में हरी मिर्ची की आवक भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि इस साल हरी मिर्ची की बुआई काफ़ी किसानों ने कम की है। इसके चलते हरी मिर्ची के जो थोक के बाज़ार भाव रहे हैं वो 60 से 80 रुपये के बीच में हरी मिर्ची की बिक्री की गई है। दोस्तों आगे हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर का जो रेट है वो रहा है 20 से 25 रुपये के जी थोक बाज़ार भाव मंडी में देखा गया है टमाटर का। और बात करें अगर ककड़ी की, तर ककड़ी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो तर ककड़ी का जो रेट है वो है 20 से 25 रुपये के जी तक तर ककड़ी की बिक्री की गई है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं खरबूजे की, तो खरबूजे का जो रेट है वो है 50 से 55 रुपये के जी। दोस्तों खरबूजे का किसानों को काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है, और खरबूजे की आवक भी कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल खरबूजा मंडी में आ रहा है और रेट इसकी काफ़ी अच्छी दी जा रही है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और डेली सब्जियों के मंडी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।